नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जहां दोस्तों पांचवें चरण के लिए वोटिंग समाप्त हो चुकी है और पांचवें चरण के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहां पर अपील की थी कि पांचवें चरण के लिए सबसे ज्यादा वोटिंग के लिए अपील की गई थी और इसके लिए रिकॉर्ड तोड़ यहां पर वोटिंग की गई है। जहां दोस्तों शाम के 5 बजे तक अगर बात करें तो 70.83% यहाँ पर मतदान हुआ है और सबसे ज्यादा मतदान इसी चरण के अंदर किया गया है। और ये चरण काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पर 16 सीटें हैं और 16 सीटों में सबसे बड़ी पार्टी JMM 2014 में थी। लेकिन 2019 के लिए क्या आंकड़े बन सकते हैं आगे आपको दिखाएंगे। लेकिन झारखंड के लिए 2 सीटों पर यहाँ पर चुनावी मैदान में इस बार हेमंत सोरेन यहाँ पर उतारे गए हैं, तो किसकी बनेगी सरकार इसके लिए आंकड़े यहाँ पर निकल कर सामने आ चुके हैं। तो पांचवें चरण की 16 सीटों के लिए जो ताजा आंकड़े यहाँ पर निकल कर सामने आ रहे हैं, उसके लिए महगामा सीट के लिए यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो एक बार फिर से बीजेपी के पक्ष में ये आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। अगली विधानसभा सीट सारठ की अगर बात करें तो इस सीट पर 2014 में इस सीट को JVM ने जीता था और JVM से पाला बदलकर यहाँ पर रणदीप सिंह यहाँ पर बीजेपी में आ गए हैं। एक बार फिर से बीजेपी के साथ वो खड़े हैं और इस बार बीजेपी ने उनको ही यहाँ पर प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में आंकड़े बीजेपी के पक्ष में जा सकते हैं। और यहाँ पर बरेठ विधानसभा सीट की बात की तो इस बार MS सोरेन झामुमो प्रत्याशी हैं और वो यहाँ पर बड़े कैंडिडेट माने जा रहे हैं। 2014 में भी उन्होंने जीत दर्ज की थी, 2019 में भी वो जीत दर्ज करते हैं आंकड़ों के हिसाब से। यहाँ पर दुमका विधानसभा सीट सबसे बड़ी सीट यहाँ पर बनी हुई है क्योंकि दुमका विधानसभा सीट के आंकड़े आपको दिखाएं तो लुईस मरांडी बीजेपी ने 2014 में सीट को जीता था, लेकिन 2019 की अगर बात की तो एक बार फिर से यहाँ पर हेमंत सोरेन जो है यहाँ से चुनावी मैदान में। हालांकि हेमंत सोरेन 2014 में हार गए थे, लेकिन 2019 में यहाँ पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। लिट्टीपाड़ा विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर अगर बात करें तो दिनेश मराठी झामुमो प्रत्याशी चुनावी मैदान में है और 2014 में इस सीट को JMM ने जीता था। इस बार भी वो जीत सकते हैं, हालांकि कैंडिडेट बदल गए हैं, लेकिन बीजेपी इनको कड़ी टक्कर दे सकती है ये आंकड़ों के हिसाब से जो यहाँ पर ताजा जानकारी निकल कर सामने आ रही है। अगर यहाँ पर पाकुड़ विधानसभा सीट की बात करें तो कांग्रेस ने यहाँ पर जीता था और कांग्रेस इस बार भी सीट को आसानी से जीतती नजर आ रही है। आखिर में आपको दिखाएंगे इन 16 सीटों में से किस पार्टी कितनी सीटें जा सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो महेशपुर विधानसभा सीट 2014 में JMM जीती थी, इस बार भी आंकड़े उनके पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। ग्वाड्डा विधानसभा सीट की बात करें तो ग्वाड्डा विधानसभा सीट बीजेपी ने 2014 में जीती थी और आंकड़े उनके पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। अमित मंडल भाजपा प्रत्याशी इस बार जीत सकते हैं, हालांकि बीजेपी ने अपने कैंडिडेट को बदल दिया है, लेकिन उनको यहां पर RJD जो गठबंधन है वो यहां पर कड़ी टक्कर दे सकते हैं। लेकिन यहां पर शिकारीपाड़ा विधानसभा सीट के आंकड़े आपको दिखा दें तो नालिन जो सोरेन है JMM में 2014 में जीती थी और नालिन सोरेन झामुमो प्रत्याशी जो है एक बार फिर से यहां पर चुनावी मैदान में है और इस सीट को जीत सकते हैं आंकड़ों के हिसाब से। जामा विधानसभा सीट के आंकड़े भी यहां पर JMM के पक्ष में साफ जाते नजर आ रहे हैं। जयमुंडी विधानसभा सीट के आंकड़े आपको दिखाए थे, कांग्रेस ने इस सीट को जीता था और यहां पर बादल पत्रलेख एक बार फिर से चुनावी मैदान में है, लेकिन दिवन कुंवर जो है वो यहां पर भाजपा प्रत्याशी है, उनको कड़ी टक्कर दे सकते हैं। हालांकि आंकड़े यहां पर कांग्रेस के पक्ष में जा सकते हैं। नाला विधानसभा सीट के आंकड़े आपको दिखाए तो रविंद्रनाथ महतो JMM में सीट को जीता था 2014 में और 2019 में भी ये सीट उनके पक्ष में जा सकती है। पौड़ाई आठ विधानसभा सीट के आंकड़े आपको दिखाया तो प्रदीप यादव JVM ने सीट को जीता था 2014 में, लेकिन आंकड़े उनके पक्ष में है तो प्रदीप यादव झामुमो प्रत्याशी यहां पर जीतते नजर आ रहे हैं। हालांकि यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला भी देखने को मिलेगा क्योंकि भाजपा से यहां पर गजेंद्र सिंह यहां पर चुनावी मैदान में है, अशोक चौधरी यहां पर JMM यहां पर प्रत्याशी है। राजमहल विधानसभा सीट के आंकड़े आपको दिखाएं तो राजमहल बीजेपी ने सीट को जीता था, लेकिन इस बार यहां पर अजहरुद्दीन ओवैसी भी यहां पर चुनावी मैदान में है और कह सकते हैं अगर मुस्लिम वोटर बढ़ जाते हैं तो बीजेपी इस सीट को एक बार फिर से जीत सकती है। जामताड़ा विधानसभा सीट के आंकड़े आपको दिखाएं तो जामताड़ा विधानसभा सीट के लिए इरफान अंसारी कांग्रेस ने सीट को जीता था और 2019 में भी आंकड़े उनके पक्ष में जा सकते हैं। बोरैयाहाट विधानसभा सीट के आंकड़े आपको दिखाएं तो ताला मरांडी बीजेपी ने सीट को जीता था 2014 के अंदर, लेकिन 2019 के लिए बीजेपी से पाला बदलकर ताला मरांडी आरसू प्रत्याशी बन चुके हैं। ऐसे में बीजेपी और आरसू में जो वोट है वो बंटवारा हो सकता है और कहीं ना कहीं इसका फायदा JMM उठा सकती है। तो यहाँ पर लोबेन हेम्ब्रम जो है झामुमो प्रत्याशी को ये सीट जा सकती है, हालांकि कड़ी टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो ये हमने 16 सीटों के आंकड़े आपको दिखाए कि कौन कहाँ से चुनावी मैदान में था और 2014 के आंकड़े आपको दिखाए तो बीजेपी ने इन 16 सीटों में से 5 सीट हासिल की थी, JMM सबसे बड़ी पार्टी थी और 6 सीट उसने हासिल की थी। लेकिन JMM कांग्रेस का इस बार गठबंधन है और ये इनका गढ़ माना जाता है। कांग्रेस के लिए भी सबसे ज्यादा 3 सीट यहीं से मिली थी और यहां से JMM को भी सबसे ज्यादा 6 सीट यहां से मिली। तो ये कह सकते हैं कि यहां काफी महत्वपूर्ण है JMM के पक्ष में। तो पांचवें चरण की वोटिंग समाप्त हो चुकी है और पांचवें चरण की 16 सीटों के लिए क्या आंकड़े
यहाँ पर निकल कर सामने आ रहे हैं। जहाँ दोस्तों कई बड़े एक्सपर्ट लोगों की जिसमें सहमति है और उनके अनुसार बीजेपी को 5 सीट जा सकती हैं, जेएमएम के पक्ष में 10 सीट जा सकती हैं, कांग्रेस का गठबंधन है और अन्य के खाते में 1 सीट यहाँ पर जा नहीं रही है। 1 सीट यहाँ पर झारखंड विकास मोर्चा को जा सकती है, यानी जेवीएम को जा सकती है और 1 सीट का यहाँ पर जेएमएम को फायदा होता नजर आ रहा है आंकड़ों के हिसाब से। जहाँ दोस्तों अब फाइनल तस्वीर आपके सामने बहुत जल्द होगी, क्योंकि अब आपको फाइनल आंकड़े दिखाने वाले हैं इन 81 सीटों के लिए कि कौन कहां से जीत सकता है और अब की बार किसकी बनेगी सरकार। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए, बहुत जल्द आपके सामने एक नई जानकारी के साथ मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।